दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है और दहेज न लेना न देना की तो बात हर कोई करता है, लेकिन अमल कोई कोई करता है। जो समाज के अंदर कहीं पर भी ये बुराई है, जो दहेज लेना और दहेज देना, तो माता जी ने भी हमारे साथ इसमें सहयोग किया। हमने पहले ही दिन से ये संकल्प ले रखा था कि जिस दिन शादी करेंगे ना लोगों से सगन लेंगे ना ही दहेज में कोई सामान लेंगे। मतलब क्या कुछ सामान लेके आए थे आप? बस मेरे सूट जो इसके पिताजी ने गहने गुणे मारे भी करवा रखे थे, मना कर दिया था बिल्कुल, हम नहीं लेवांगे जी कुछ भी। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है और दहेज न लेना न देना की तो बात हर कोई करता है, लेकिन अमल कोई कोई करता है। इस समय हम आपको बता दें कि हम कैथल के सुभाष नगर में पहुंचे हैं और ये अनूठा उदाहरण पेश किया है सुभाष नगर के विजय ने, जिनकी मैं आपको बता दूं कि विजय और काफ़ी हैं। इनकी शादी 6 मार्च को हुई थी, लेकिन कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से इन्होंने दहेज न लेने न देने का जो कार्ड भी छपवाया था, और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो ये कार्ड है ये खुलता है, और कार्ड पर भी साफ तौर पर जो मेंशन किया हुआ है कि पैसे और कपड़े का लेन देन बिल्कुल बंद है। तो ऐसी अनूठी शादियां होती हैं और ऐसा हर कोई नहीं करता, समाज में कोई कोई करता है और जो करता है वो एक मिसाल बन जाता है। तो सबसे पहले विजय से बातचीत करेंगे कि किस तरह की इनकी थिंकिंग है, इनकी और इनके परिवार की। उसके बाद जो इनकी जीवन साथी बनी है काफ़ी, उनसे भी जानेंगे कि क्या सोच थी मतलब, और अब क्या कुछ कहना है। तो आइए सबसे पहले विजय से बातचीत कर लेते हैं। जी विजय, सबसे पहले नमस्कार विक्रम जी, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कैथल खबर का पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तो शुरुआत से ही बातचीत करते हैं, जैसे कार्ड भी आपने छपवाया, बिना पैसों और बिना कपड़ों का लेन देन बिल्कुल बंद है, तो ये क्या सोच थी आप? सोच तो यही है विक्रम जी, जो आज समाज के अंदर लोगों ने दहेज लेना एक अपना शौकीन और अपना ओहदा बना लिया है कि दहेज से ही हमारा जो होगा, हमारा बेटा गाड़ी लेगा या बाइक लेके आएगा, फर्नीचर लेके आएंगे। हम उन चीज़ों से सबसे हटके, जो आज समाज के अंदर कहीं पर भी ये बुराई है, जो दहेज लेना और दहेज देना, तो माता जी ने भी हमारे साथ इसमें सहयोग किया। हमने पहले ही दिन से ये संकल्प ले रखा था कि जिस दिन शादी करेंगे ना लोगों से सगन लेंगे ना ही दहेज में कोई सामान लेंगे जी। तो जो ये विचार है, ये विचार कहाँ से आपके मन में आया, कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? प्रेरणा तो जो समाज के अंदर आज दहेज के कारण बहन बेटियों के साथ इतना बुरा समय आ गया है कि हर एक माँ बाप अपनी बेटी को आज पैदा करने से डरता है। अगर लोग इस सोच को आगे बढ़ाएंगे तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को जन्म देने से नहीं घबराएगा। तो आपके कितने भाई हैं और इससे पहले भी शादियाँ आपके परिवार में हुई होगी, उनमें मतलब? जी जी, हम 3 भाई हैं। हमने अभी पीछे 2021 में भी शादी करी थी बीच वाले भाई की, उसमें भी हमने दहेज नहीं लिया था। तो जैसे आपकी अब तो शादी होगी, इससे पहले कितने रिश्ते आए और किस तरह के आपकी, शुरू में ही जैसे आपने दहेज न लेने की बात कही होगी तो कहीं ना कहीं बात कही होगी। जी, इससे पहले भी मेरे 3 रिश्ते आए थे, जिसमें जहां पर अड़चन आती थी यही आती थी, क्योंकि लड़की परिवार बोलता था कि हम अपनी लड़की को तो देंगे, तो उसके हम खिलाफ थे कि हमारी जो पहली शर्त थी यही थी कि जिसमें हम दहेज नहीं लेंगे, जो परिवार हमें दहेज ना देने पर सहमत होगा हम उसी घर में शादी करेंगे। तो अब काफ़ी के परिवार वालों ने क्या कुछ सोचा था आपको कि दहेज में ये देंगे और देंगे, कुछ सामान वगैरह तो बताया होगा? जी, अंगूठी वगैरह काफ़ी के परिवार ने, जब हम शादी के लिए गए तो वहाँ पे सगाई के ऊपर भी उन्होंने रिंग डालने की कोशिश करी जो वो लेके आए थे, माता जी के लिए लेके आए थे, लेकिन हमने वहाँ पे भी पूरे समाज के अंदर एक ही चीज़ का उदाहरण दिया कि हम बिल्कुल भी, जो दहेज का हमने संकल्प लिया हुआ है हम उस दहेज को नहीं लेंगे, चाहे आप जैसे मर्जी इसके अंदर आप सहमति करें जी। तो कितनी बारात आप लेकर गए थे? हमारी बारात 101 आदमियों की बारात गई थी। और तो कौन से गांव में शादी हुई? मेरी शादी गांव पाई के अंदर हुई है। अच्छा। जो शादी समारोह था वो पुंडरी के अंदर था जी। तो आप क्या काम करते हो और जो काफी है आपकी घरवाली? मैं मजदूर संगठन के अंदर काम करता हूँ, जो मेरा संगठन है राष्ट्रीय कामगार संघ, उसका मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और जो एजुकेशन है मेरी बीए है और काफी की भी बीए है। तो जैसे कार्ड में मेंशन किया हुआ है कपड़ों का लेन देन भी बिल्कुल बंद है, तो यहाँ आपके घर में भी मतलब बहन बेटियाँ आई होंगी, उनको भी कुछ दिया है या वो भी वैसे लड्डू लड्डू? नहीं, वो भी लड्डू लड्डू लेकर ही गई है। अच्छा। ना हमने दिया और ना ही हमने लिया जी। जी कुछ भी नहीं,
नहीं, जो कुछ भी नहीं लिया, जो सिर्फ लड़की के उन्होंने 5-10 सूट देने थे वही उन्होंने लड़की के सूट दिए हैं। तो विजय भाई बताइए कि आपने ये जो शिक्षा है कहाँ से ली? ये शिक्षा तो सबसे पहले विक्रम जी, हम जैसे समाज के अंदर कहीं पंचायत में जा रहे हैं, कहीं थाने में जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मामले जो आज के टाइम पे यही मामले हैं और जिनको हमने जड़ से ख़त्म करके फेंकना है। और इसको देखते देखते हमने साथ के साथ एक लोक सेवा मोर्चा का भी गठन किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे 14 सिद्धांत हैं। और सबसे पहला सिद्धांत हमारा यही है जिसमें हम ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। तो इसके लिए एक समाज के अंदर हम एक मिसाइल भी पैदा करेंगे 2024 के अंदर अंदर, एक बड़े लेवल पर इसको लेकर जाएंगे जी। तो आपने सुना कि किस तरह से, विजय आपको बता दें, ये एक सामान्य परिवार से है और जैसे इनकी शादी हुई तो इन्होंने न दहेज लिया और न किसी को यहाँ तक कि सूट या कपड़ा वगैरह भी नहीं दिया है। तब तो जो इनकी घरवाली है, काफ़ी उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है इस सोच को लेकर। हाँ जी, नमस्कार जी। आप बताइए कि जिस तरह से जहाँ आपकी शादी हुई है, इनकी पहले ही डिमांड थी कि दहेज न लेंगे न हम देंगे, तो आप क्या कहना? हाँ जी, इन्होंने शुरू में ही कहा था कि हम दहेज नहीं लेंगे। पापा ने बोला कि सगाई वगैरह अंगूठी वगैरह देंगे, तो इन्होंने साफ मना कर दिया जी, साफ मना कर दिया। तो आपके परिवार की क्या सोच थी, क्या कुछ देने की सोच थी आपको कि लड़की को ये सामान दें? इन्होंने शुरू में ही मना कर दिया था कि हम कुछ नहीं लेंगे। अच्छा। तो पापा बोले अगर कुछ नहीं लेंगे तो सगाई वगैरह में अंगूठी वगैरह देंगे, तो ये बोले नहीं हम कुछ भी नहीं लेंगे जी। तो आपके कितनी बहनें हैं या सिर्फ एक आप ही? हम 5 बहनें हैं। 5 बहनें? हाँ। तो आपसे बड़ी या छोटी हैं? 2 मेरे से बड़ी, 2 मेरे से छोटी। वो शादीशुदा है? एक शादीशुदा है। एक शादीशुदा है। तो उनमें क्या मैसेज गया, जिस तरह से यहाँ परिवार की सोच है, तो क्या उनकी भी सोच बदली है आपके परिवार की? हाँ जी, सबकी सोच बदली है जी। तो पाई गाँव में चर्चा हुई इस बात की? हाँ जी। इस तरह की बारात आई है? हाँ जी, सब ने तारीफ की है कि बहुत अच्छा परिवार मिला है। हाँ जी। तो अब आपको कोई इस तरह की बातचीत तो नहीं करते कि दहेज नहीं लेकर आई या नहीं किया, कुछ नहीं? नहीं जी, कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, कि तो मतलब क्या कुछ सामान लेके आए थे आप? बस मेरे सूट। अच्छा। हाँ जी। काफी आपके जो पिताजी हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे पापा जी खेती करते हैं जी। तो हाँ, जैसे जी। 5 बहनें हैं आप, तो पर मतलब पापा को भी चिंता होगी कि बेटियों की शादी करनी है, काफी पैसा भी लगेगा और लगेगा, तो जैसे इनकी सोच थी, इनकी सोच को देखकर क्या कुछ उनके मन में आया? हाँ, बस यही मन में आया कि जो और बहने हैं भी ऐसा ही परिवार मिले उनको भी। ऐसा ही? हाँ जी। तो क्या कहोगे इनके जैसे विचार या सोच? हाँ जी, सब खुश है घर में और सब यही सोचते हैं कि आगे जो बहने हैं उनको भी ऐसा ही परिवार मिले जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं टेंशन तो रहती होगी, आपको भी टेंशन थी शादी में पैसा लगेगा? हाँ जी, टेंशन तो होती है जी। तो अब क्या संदेश दोगे आप, आपकी वीडियो भी देखने लग रहे हैं, मतलब बहन बेटियों को या जो माता पिता है उनको? हाँ जी, मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि ना तो दहेज लेना चाहिए और ना दहेज देना चाहिए। तो क्या क्वालिफिकेशन है? बीए की है मैंने। हाँ जी। तो अब विजय की माता जी है, तो इनसे जानेंगे कि इस सोच को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार माता जी। क्या नाम है जी? शीला देवी है जी। जी, क्या कहोगे जिस तरह से आपने आपके बेटे की शादी की और बिना दहेज के बहू आपके घर में? मैं तो अच्छा काम समझा जी। अच्छा। बहुत बढ़िया समझा जी, ना मेरा पसंद को नहीं जी लेना देना कुछ भी। अच्छा। हाँ जी, हम तो एक बहू और तुलसी का पेड़ा लेकर आया जी। अच्छा। हाँ जी, जो इसके पिताजी ने गहने गुणे मारे भी करवा रखे थे, मना कर दिया था बिल्कुल। अच्छा। भाई हम नहीं लेवांगे जी कुछ भी। हाँ, और जो कुछ माम ने कहा वो कर दिया जी इसके पिताजी ने जी। खुश होकर कर दिया जी अगला ने। और भाई अपना टेंशन फ्री जी, भाई मैं तो उनको आगे भी इसे बेचारिया ने उनके भी इसे रिश्तेदार मिल जाए बेचारिया ने जी। इससे पहले रिश्ते आए थे? आए थे जी। कितने रिश्ते आए थे? 2-3 तो मेरे उसमें भी हैं जी लले, भाई मन जो मन पता चला बच्चे हैं जी बाहर रवा भी ले ले अपना। मना कर दिया था जी बिल्कुल। अच्छा। दहेज देने की बात बोल रहे थे? हाँ जी, भाई मैम तब ऐसे करांगे भी मना कर दिया था, लड़का ही ना कर दिया था जी। तो कहीं जो पड़ोसी है अड़ोसी है वो भी बात देख रहे होंगे कि इनके बहू आएगी कुछ ना कुछ दहेज लेके आएगी? नो तो जी कमे हैं भी लले भी के ले आई बहू, मैम के ले आते दिखाया नहीं फलानी बहू देखना आती भी दिखाया नहीं कपड़े लतड़े, मां जब मां ले आई नहीं दिखावांगे, जब मां ने कुछ लिया ही नहीं जी। वो तो सब ने दिखा है कुछ आया ही नहीं, आवेगा शादी में तो जी बहू तारेंगे जो सामान भी दिखेगा जी। तो अब आप खुश हो बिना दहेज के? हाँ जी, बहुत खुश हूँ जी मैं तो। अच्छा।
मेरी टेंशन भरी जी बाप कितनी चिंता खत्म हो जाती है बस जी बस यह है जी उसकी बेटी है जी मेरी बेटी है आपकी बेटी है आपकी बेटी है हाँ जी दहेज दिया थी ना जी वो तो मेरी बहन की है लड़की तो वो तो मेरे पास कौन है जी लड़की तो जो पहले बेटे की मैरिज करी थी शादी में बिना दहेज के उसके बाद कोई दिक्कत आई या फिर आपने वही फैसला किया ना जी कोई दिक्कत नहीं आई और बड़ी तारीफ करी है जी मारी हाँ कलवन ब्याह था लड़का मेरा हाँ बड़ी तारीफ करी जी वही से रिश्तेदार सब ने मिला तो अब वार्ड नंबर 14 से जो इनके इनका वार्ड है दीपक का दीपक शर्मा मौजूद हैं तो ये विजय की बारात में भी गए थे तो इनसे भी जानेंगे कि इस तरह की जो अनूठी शादी हुई है इसको लेकर क्या कुछ इनके विचार हैं जी दीपक बताइए सबसे पहले तो मैं कथल खबर के आपके सभी दर्शकों को मेरे दीपक शर्मा वार्ड नंबर 14 से एमसी सभी से मेरी राम राम और देखिए ये बहुत अच्छी पहल है विजय भाई की इसने मतलब बिना दहेज के जो शादी करवाई है मतलब इसकी एक ही डिमांड थी भाई मैं बिना दहेज के शादी करूंगा और कई रिश्ते आए पहले भी जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल में भी रहा है ये मतलब इसकी एक ही शर्त थी भाई मैं बिना दहेज के शादी करूंगा और बिना सगन वगैरह के कोई भी मतलब मैं नहीं लूंगा तो जैसे मैं भी बारात में भी था तो मैंने देखने में आया भाई लड़की वाले भी जोर कर रहे थे जिसके बावजूद इसने शर्त रखी थी लेकिन फिर भी मतलब इसने हाथ जोड़कर उनको सम्मान दिया भाई देखो आपने जो लड़की दे दी मेरे को सब कुछ दे दिया आप लोगों ने और मैं इस भाई की बहुत अच्छी पहल समझूंगा इसमें मतलब आज के टाइम में आप देखने में आ रहे हो दहेज कोई कितना मर्जी दे दो लेकिन उस फिर भी कमी रह जाती है और दहेज जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया और मैं तो इस भाई की पहल से मतलब कि प्रसन्न हूँ भाई इसने ये कदम उठाया और आने वाली जनरेशन के लिए भी एक ही मैसेज देना चाहता हूँ भाई आप सभी आज जागरूक होंगे जब भी जाके इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है दहेज की बीमारी को जी तो ये थे वार्ड नंबर 14 से जो एमसी हैं दीपक शर्मा तो अब इनके साथ ये भी बारात में गए थे तो इनसे भी जान लेते हैं कि क्या क्या कुछ इनका कहना है हाँ जी क्या नाम है सुरेंद्र ठाकुर जी विजय रावीस की जो शादी अभी हुई इनको मैं लगभग 10-12 सालों से जानता हूँ ये अपनी शादी से पहले भी अन्य कोई भी गरीब लड़कियों की जब शादी होती है अपने इस एरिए में तो वहाँ पर भी जाकर ये ऐसे धार्मिक काम सगन के तौर पे बर्तन हैं कपड़े हैं ऐसे देते आ रहे हैं तो इनके जो विचार मुझे बड़े अच्छे लगे और अब जो ये शादी हुई तो उस समय भी इन्होंने ये बोल दिया था कि भाई मैंने कुछ भी नहीं लेना तुलसी का पौधा ही लेना है तो ऐसा जानकर बड़े हमारे को बहुत खुशी हुई कि कोई बिरले बिरले लोग ही ऐसी जो पहल करते हैं इस प्रकार से दहेज की जो कुरूति है तो उसके बारे में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस दहेज की कुरूति को खत्म करने के लिए सबसे पहले स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर जो शिक्षक जो उनको संदेश दे वहाँ तो उन नई जनरेशन के दिमाग में आएगी उसके बाद जो है मीडिया के माध्यम से एनजीओ के माध्यम से सरकार जैसे अपने वेलफेयर की योजना टीवी तक भी निकालती है तो ऐसे ऐड निकाल कर जो उन पे जो इस प्रकार से बढ़ाई इसको तो लोगों के मन में ये आएगी नई जनरेशन के कि भाई ये दहेज एक कुरीति है जी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।